तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में। मतलब एक्शन पैक वीडियो होने वाली है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स होने वाली है वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले आज के AEW डायनामाइट के बारे में, जहाँ पर शो उनका खत्म हो चुका है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें शो के ऊपर देखने को मिली। सबसे पहले तो यहाँ पर जो MJF और CM Punk का रीमैच होने वाला है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। जहाँ पर आज के डायनामाइट में यहाँ पर CM Punk की उस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि उनको कब मैच चाहिए, क्या स्टिपुलेशन होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए उस मैच के। तो यहाँ पर CM Punk ने मैच यहाँ पर मांग लिया MJF से, जहाँ पर रेवोल्यूशन पेपर व्यू के अंदर इनका मैच होने वाला है। और यहाँ पर CM Punk ने चूज़ करा एक डॉग कॉलर मैच, यानी कि इनके बीच में हमें एक डॉग कॉलर मैच देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हमने AEW के अंदर एक डॉग कॉलर मैच देखा था, जहाँ पर कोडी और ब्रोडी ली के बीच में मैच हुआ था, जो कि काफ़ी है ना बढ़िया था। तो इनके बीच में यहाँ पर डॉग कॉलर मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि आज के डायनामाइट में यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर AEW के अंदर यहाँ पर जे वाइट का भी डेब्यू होने वाला है, जहाँ पर रैम्पेज के ऊपर इनका मैच अनाउंस कर दिया गया है, जहाँ पर उनका मैच हमें देखने को मिलेगा ट्रेंट के अगेंस्ट। तो इनका मैच यहाँ पर होने वाला है, जे वाइट अपना डेब्यू करने वाले हैं, इन रिंग डेब्यू होने वाला है उनका AEW रैम्पेज के अंदर। इसके साथ ही अगली अपडेट की अगर बात करें तो आज यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी कि कोडी रोड्स तो यहाँ पर जा चुके हैं AEW से, तो काफ़ी ज़्यादा जो रूमर्स हैं, काफ़ी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, इससे यहाँ पर कन्फर्म ही माना जा रहा है कि जो कोडी रोड्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं WWE के अंदर। लेकिन जो ब्रैंडी रोड्स हैं उनका यहाँ पर नेम निकल के नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि ब्रैंडी रोड्स यहाँ पर नहीं आने वाले हैं WWE के अंदर, बल्कि यहाँ पर कोडी रोड्स ही आने वाले हैं। और रिपोर्ट्स तो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि विंस मैकमैन के पास कोडी रोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्लान्स हैं, मतलब काफ़ी बड़े प्लान्स हैं विंस मैकमैन के पास कोडी रोड्स के लिए। तो ये जब मैंने सुना तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन कोडी रोड्स को फिर से यहाँ पर स्टार डस्ट वाला तो कैरेक्टर देने नहीं वाले। कुछ अगर ह्यूज प्लान्स निकल के आ रहे तो कुछ बड़े ही हमें कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलेगा। अब उनका रिटर्न कब होता है इसको लेके काफ़ी कह सकते हो ये बड़ा पॉइंट बना हुआ है। क्या वो रसलमेन से पहले आते हैं या फिर उसके बाद वो आएंगे? अगर पहले WWE उनको लेके आती है तो रसलमेना के अंदर एक कमाल का मैच हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर हो सकता है कोडी रोड्स वर्सेस ट्रिपल एच के बीच में। मतलब क्या ये मैच होगा? AEW और WWE के ड्रीम मैचेस की हम बात करते थे हमेशा, यहाँ पर हम इस मैच को रखा करते थे। और अब तो अगर कोडी रोड्स आ रहे हैं WWE के अंदर तो उनका पहला मैच मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रिपल एच के अगेंस्ट ही होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर पता नहीं है कि WWE कोडी रोड्स को कब लेके आएगी, रसल में से पहले लेके आएगी या फिर नाइट आफ्टर रसल मीने की रॉ में वो लेके आएंगे उनको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैंने ये भी सोची, अगर कोडी रोड्स स्टार डस्ट वाले कैरेक्टर के साथ आ गए तो, और उसका क्यों कहीं ना कहीं सेंस बनना, क्योंकि इस बार की जो रसल मीने होने वाली है, रसल मीने 38, उसका लोगो देखो यहाँ पर स्टार वाली है। तो अगर यहाँ पर कोडी रोड्स भी स्टार वाले अपने स्टार डस्ट वाले कैरेक्टर के साथ आ गए तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है सबका पोपट हुआ कि एक अमेरिकन नाइटमेयर अपना कैरेक्टर छोड़ के आया और यहाँ पर स्टार डस्ट का कैरेक्टर मतलब वापस आ चुका है। क्या ही मतलब हमें देखने को मिल जाए, क्या बड़ा मतलब हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप कोडी रोड्स को कब देखना चाहते हो, रसल मीना से पहले वो आए या फिर रसल मीना के बाद की रॉ में यहाँ पर उनका कम बैक हो WWE के अंदर? आपका जो भी कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और रसल मीना से यहाँ पर बात चल रही तो बात करते हैं स्टोन कोल्ड के बारे में। जैसे कि हमने बात की थी कि स्टोन कोल्ड भाई कम बैक कर सकते हैं अपना रसल मीना के अंदर, और उनका यहाँ पर मैच भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि केविन ओवंस के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर जो स्टोन कोल्ड हैं वो रसल मीने के बाद भी यहाँ पर कुछ और मैचेस रसल कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो एक मैच के लाले पड़ रहे हैं कि स्टोन कोल्ड वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स तो भाई ये भी निकल के आ चुके हैं कि रसल मीने के बाद भी यहाँ पर जो स्टोन कोल्ड हैं वो और मैचेस रसल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्टोन कोल्ड के बस में हुआ, वो एग्री हुए या फिर उनका मन करा कि यहाँ पर वो WWE के अंदर थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टोन कोल्ड और भी काफ़ी सारे मैचेस रसल कर सकते हैं। मतलब WWE को अगर बोलते हैं ना नेवर से नेवर रेसलिंग के अंदर बोला जाता है तो काफ़ी सही बोला जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है कब यहाँ पर क्या हो जाए। मतलब इस सुपरस्टार के बारे में हमने सोचा था कभी ये वापस आएगा और आज यहाँ पर इसके इतने सारे मैचेस की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तो रसलमीना के अंदर इनका मैच हमें देखने को मिल जाए वो यहाँ पर बहुत है, और उसके बाद ही आगे का हम सीन देखेंगे स्टोन कोल्ड के कितने और क्या मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। अगली अपडेट की अगर बात करें तो आज बात करते हैं यहाँ पर जैक राइडर या फिर मैट कार्डोना के बारे में, जो कि यहाँ पर WWE से चले गए, लेकिन उसके बाद भी बाहर वो काफ़ी सारी धूम मचा रहे हैं, कमाल कमाल की चीज़ें कर रहे हैं, और विंस मैकमैन को यहाँ पर वो उंगली करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ऐसा वो करते ही रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अभी इस फोटो को डाला और यहाँ पर हैशटैग लगाया स्टिल हेयर, और यहाँ पर इन फोटोज़ के अंदर आप देख सकते हो मतलब मैट कार्डोना क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर फोटो डाली है उन सुपरस्टार के साथ में जब वो रिलीज़ हो गए थे। 2020 की ये बात है जब WWE ने पहली बार इतने सारे सुपरस्टार्स को रिलीज़ करा, तो यहाँ पर मैट कार्डोना बता रहे हैं
कि WWE ने विंस मैकमैन ने यहाँ पर उनको रिलीज़ करा, और उसके बाद उन्होंने कितनी सारी यहाँ पर चीज़ें कर ली हैं इंडीज़ के अंदर जाके, मतलब कितने सारे यहाँ पर वो टाइटल जीत चुके हैं, चैंपियन वो बन चुके हैं। हमने देखा यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर वो चैंपियन बने, इसके साथ ही GCW वो चैंपियन बने, और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जहाँ पर वो NWA के भी वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो मैट कार्डोन है यहाँ पर मेरे हिसाब से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर WWE से जाने के बाद उन्होंने कितनी सारी चीज़ें कर ली। तो विंस मैकमैन को एक टाइप से वो थैंक यू बोल रहे हैं कि यहाँ पर सही है तुमने मुझे रिलीज़ करा, उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को हासिल करा, या फिर वो ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं थी लेकिन कंपनी से जाने के बाद मैंने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर अचीव कर ली। तो मैट कार्डोन इस टाइप की कुछ हरकतें करते रहते हैं। आपका जो भी कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस अभी हमने बात की कोडी रोड्स के बारे में, तो AEW से तो यहाँ पर वो जा चुके हैं, तो AEW ने अभी अब जो साफ सफाई है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी। और साफ सफाई से मेरा मतलब है जहाँ जहाँ कोडी रोड्स का फोटो था, जो भी चीज़ें थी उनके मतलब पोस्टर वगैरह थे, वो सारी चीज़ें हटाना स्टार्ट कर दी हैं। और आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर AEW के जो न्यू प्रोडक्शन ट्रक्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब पहले इन ट्रक्स के ऊपर कोडी रोड्स का भी फोटो था, लेकिन अब इस चीज़ को एकदम बदल दिया गया है और कोडी रोड्स का आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिलेगा नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर जो एक आने वाला डायनामाइट का शो होने वाला 30 मार्च को, उसके यहाँ पर पहले पोस्टर के ऊपर यहाँ पर फीचर थे कोडी रोड्स, लेकिन अब उनको यहाँ पर हटा दिया गया और उनको रिप्लेस कर लिया क्रिस जेरिको ने। इसके साथ यहाँ पर कोडी रोड्स रेवोल्यूशन जो उनका पेपर-व्यू आने वाला है उसके भी यहाँ पर पोस्टर के ऊपर थे, लेकिन वहाँ से भी उनको रिमूव कर दिया गया। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ साफ सफाई यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, और वो तो हम देखते हैं WWE का भी कोई सुपरस्टार जाता है WWE भी उसको यहाँ पर हटा देती है, एकदम मिटा देती है। तो वैसे यहाँ पर काम कुछ AEW भी कर रही है। तो यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि WWE का हम देखते हैं ना वो सुपरस्टार्स को हटा देती है, कुछ फैंस फिर बोलते हैं मतलब कुछ भी मतलब कमेंट्स करते हैं ना। तो आपका अब इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं NXT के न्यू शो के बारे में, जो कि हमें कल से देखने को मिलेगा। और NXT का यहाँ पर न्यू शो स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता। WWE ने यहाँ पर इसकी टेपिंग कर ली है इस वीक, यहाँ पर जो NXT का शो आया था उससे पहले WWE ने इस शो को टेप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है। और ये शो आया करेगा फ्राइडे को, यानी कि जब स्मैकडाउन खत्म हो जाएगी उसके बाद ये शो हमें देखने को मिलेगा। अब इंडिया में आएगा या फिर नहीं आएगा, WWE नेटवर्क का शो होने वाला है। और यहाँ पर WWE ने खत्म कर दिया 205 लाइव को, जो 205 लाइव ब्रांड हुआ करता था उसको WWE ने हटा दिया है, और उसकी रिप्लेसमेंट में यहाँ पर WWE शो को लेके आई है जिसका नाम होने वाला है NXT लेवल अप। और यहाँ पर बताया जा रहा है ये मतलब इस टाइप का शो है कि सुपरस्टार इसके अंदर बिल्ड होंगे, थोड़ा अपना लेवल अप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनको NXT के अंदर आने का मौका मिलेगा। तो एक टाइप से आप बोल सकते हो जैसे कि AEW के अंदर हम देखते हैं उनके डार्क वाले शो होते हैं, उसके अंदर यहाँ पर सुपरस्टार अपने आप को इम्प्रूव करता है, मैचेस यहाँ पर जीतता है और उसके बाद यहाँ पर वो डायनामाइट के ऊपर आता है। तो इस टाइप से यहाँ पर इनका शो होने वाला है, और इसको लेके कुछ मैचेस भी यहाँ पर WWE ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। सारे रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि कल के शो के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो कुछ नया WWE कर रही है, काफ़ी सही है, करना भी चाहिए यहाँ पर उनको, नए नए सुपरस्टार्स यहाँ पर बनाने चाहिए। तो इनका शो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है फ्राइडे के लिए, जो कि स्मैकडाउन के बाद हमें देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस बात करते हैं रसलमीना के एक और सबसे बड़े सरप्राइज के बारे में। मतलब एक तो सरप्राइज हमें देखने को मिलने ही वाला है, मिल सकता है, जो कि स्टोन कोल्ड अगर आते हैं वो कोई मैच रसल करते हैं तो वो तो भाई अपने आप में काफ़ी बड़ा सरप्राइज होने वाला है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर WWE एक और यहाँ पर सरप्राइज प्लान कर रही है, और वो सरप्राइज भी यहाँ पर स्टोन कोल्ड के लेवल का होने वाला है। मतलब WWE मैं सोच रहा हूँ क्या करने वाली है इस बार की रसलमीना के अंदर। मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर अलग ही रिकॉर्ड्स यहाँ पर वो तोड़ने वाले हैं। मतलब क्राउड यहाँ पर वापस आ रही है 2 नाइट्स की रसलमीना है, तो WWE भी यहाँ पर फुल मूड में है कि भाई पैसा यहाँ पर वसूल करवाना फैंस का। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर माना जा रहा है WWE के पास एक बड़ा सरप्राइज है स्टोन कोल्ड के लेवल का, और WWE यहाँ पर उसको रसलमीना के अंदर दिखाने वाली है। मतलब वो मुझे लग रहा है कोई सुपरस्टार यहाँ पर स्टोन कोल्ड के लेवल का होने वाला है। और जब यहाँ पर मैंने ये चीज़ सुनी तो एक ही यहाँ पर सुपरस्टार का नेम मेरे माइंड में आ रहा है, वो यहाँ पर द रॉक का। क्योंकि अगर यहाँ पर स्टोन कोल्ड के लेवल का कोई है तो वो रॉक ही है, क्योंकि ऑस्टन रॉक की हमने फ्यूड देखी है, राइवलरी देखी है, ये दोनों भाई सेम लेवल के सुपरस्टार हैं, सेम लेवल के मेरे हिसाब से ये पॉपुलर हैं, सेम इनका वो एटीट्यूड है, दोनों सेम लेवल के सुपरस्टार हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर WWE यहाँ पर स्टोन कोल्ड के लेवल का किसी को लेके आ रही है तो वो रॉक ही हैं, या फिर कुछ और भी नेम्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि अंडरटेकर भी वो हो सकते हैं, हल्क होगन रिक फ्लेयर का भी नेम आ रहा है। लेकिन हल्क होगन रिक फ्लेयर मैं इनको थोड़ा साइड ही हटाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टोन कोल्ड के लेवल का मुझे कोई लगता है तो वो रॉक या फिर अंडरटेकर ही हैं, और सबसे पहले यहाँ पर मैं रॉक को रखूंगा, क्योंकि रॉक भाई एक ऐसा नाम है जो कि हम जानते हैं कि काफ़ी कम ही हमें देखने को मिलता है। अंडरटेकर, हल्क होगन, रिक फ्लेयर ये तो लोग दिख ही जाते हैं,
लेकिन अगर यहाँ पर कोई इतने टाइम बाद वापस आ रहे हैं तो स्टोन कोल्ड हैं, और अगर दूसरा कोई बड़ा सरप्राइज हो उन्हीं के लेवल का तो वो रॉक हो सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर प्लान कर रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर वो रॉक होने वाले हैं या फिर कौन होने वाला है, लेकिन आप मुझे बताना कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी स्टोन कोल्ड के लेवल के सुपरस्टार को लेके आ रही है तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा सुपरस्टार हो सकता है जो कि स्टोन कोल्ड के लेवल का है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट के बात करें और गाइस बात करते हैं रोमन रेंस के एक यूनिक रिकॉर्ड के बारे में, जो कि अगर वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अपना मैच जीतते हैं जो कि होने वाला है गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, तो वो एक एक अलग ही यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पर बना देंगे। और रिकॉर्ड भाई काफ़ी कह सकते हो अजीब सा है, लेकिन काफ़ी हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। मुझे लगता नहीं कि अगर रोमन रेंस ने इस रिकॉर्ड को बना दिया तो इस रिकॉर्ड को आगे चल के कोई तोड़ने वाला है। और रिकॉर्ड यहाँ पर यह है कि रोमन रेंस ने अपनी इस टाइटल रेन के दौरान जितने भी यहाँ पर फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन हैं उन सारी चैंपियंस को यहाँ पर रोमन रेंस हरा देंगे, अगर उन्होंने गोल्डबर्ग को भी हरा दिया तो। और ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर हम जानते हैं कौन कौन से सुपरस्टार यहाँ पर फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन हैं। फिन बैलर वो रहे हैं, ब्रॉक लेसनर रहे हैं, सेथ रॉलिंग्स वो रहे हैं, ब्रे वायट, ब्रॉन स्टोमन हम जानते हैं, मतलब जितने भी अभी तक हमने यूनिवर्सल चैंपियन देखे हैं रोमन रेंस ने अपनी इस वन रेन के दौरान, एक जो उनकी इतनी लंबी रेन गई है, सारी फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियंस को हरा दिया है। और काफ़ी यहाँ पर उनकी ये एक हिस्टोरिक टाइटल रेन रही कि रोमन रेंस ने अपनी एक रेन के दौरान सारी फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन को हरा दिया, जो कि मुझे लगता नहीं आगे चल के ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग जैसे सुपरस्टार को हराना कोई मतलब हंसी खेल की बात नहीं है, और रोमन रेंस यहाँ पर ये काम करके बताएंगे। तो काफ़ी आना कमाल होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, देखते हैं रोमन रेंस क्या इस यूनिक रिकॉर्ड को बना पाएंगे या फिर नहीं, देखेंगे चेंबर के अंदर हमें क्या देखने मिलता है। कमेंट करके आप लोग जानना आपको क्या लग रहा है ये रिकॉर्ड बनेगा या फिर नहीं, और क्या लग रहा है स्टोन कोल्ड के लेवल का कौन सा सुपरस्टार यहाँ पर आ सकता है, आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। तो वैसे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।